वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेंटर ऑफ हायर एनर्जी सिस्टम एंड साइंस CHESS के द्वारा रिसेंटली DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ITI वाले कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, DRDO के द्वारा CHESS रिक्रूटमेंट 2024 जिसकी लास्ट डेट है 31/5/2024, इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें BTEC वाले कैंडिडेट या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस जारी की गई है। चलिए देखते हैं DRDO CHESS अप्रेंटिस 2024 और इसमें सेंटर फॉर हायर एनर्जी सिस्टम एंड साइंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है जो हैदराबाद में इसकी ब्रांचेस है। इनवाइट द एप्लीकेशन इन प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर द 1 ईयर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ट्रेस्ड DRDO CHESS अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड DRDO CHESS अप्रेंटिस अप्लाई बिफोर 31/5/2024। तो सीधे शब्दों में डियर स्टूडेंट, मैं यदि आपको बताऊं तो DRDO के द्वारा CHESS रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है विभिन्न ब्रांच से और BTEC जिनने किया हुआ है अलग अलग ब्रांच से, तो उनके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। अब जिन्होंने अभी तक कहीं से अप्रेंटिस नहीं किया है वे कैंडिडेट ही DRDO में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे और जो कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं से अपने अप्रेंटिस कर लिया है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी यूनिट है सेंटर फॉर हायर एनर्जी सिस्टम एंड साइंस जिसे CHESS कहा जाता है, ये इसकी यूनिट है। और इसमें टोटल जो पोस्ट दी हुई है 25 है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ग्रेजुएट। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है, स्टार्टिंग डेट अभी चालू होने को है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 है। अधिकतम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। DRDO CHESS अप्रेंटिस की वैकेंसी यदि हम देखें तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस की 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस की 3 पोस्ट है, ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस की 3 पोस्ट है, ग्रेजुएट की 2 पोस्ट है, उसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा की 5 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट और 1 पोस्ट। अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट जारी की गई है। चलिए इसमें DRDO CHESS अप्रेंटिस 2024 में क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस जिसमें BTEC मांगा है और डिप्लोमा टेक्नीशियन में अप्रेंटिस में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मांगा है। हाँ, एक चीज़ है, DRDO CHESS अप्रेंटिस में स्टाइफंड आपको मिलेगा ग्रेजुएट कैंडिडेट को 9,000 रुपये और टेक्नीशियन डिप्लोमा जिन्होंने पॉलिटेक्निक करके जिनका ज्वाइनिंग होगा उनको 8,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, CHESS के द्वारा DRDO के द्वारा अप्रेंटिस के सिलेक्शन की प्रोसेस एकदम ईजी है। कैसे? DRDO CHESS रिक्रूटमेंट 2024 में डिटेल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एबो पोस्ट आर गिवन बिलो। अलग अलग पोस्ट में इसमें सबसे पहले इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज मार्क्स सिक्योरिड बाय द कैंडिडेट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल एंड पर्सनल इंटरव्यू थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल मोड ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और इंटरव्यू के बाद आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के आधार पर वो भी आपको क्लियर करना होगा। मतलब आपके दोनों चीज़ अच्छे होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अधिकतम जानकारी के लिए हम इसका नोटिफिकेशन, इसके एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, ये DRDO के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप CHESS हैदराबाद का एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको पूरा जैसा कि वैसा जो है एक एक चीज़ों को यहाँ पर फिल करना होगा। इसमें आप देखेंगे तो नेम एप्लीकेशंस, फादर नेम, NATS रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी वाइज आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। इसके आधार पर आपको ये पूरा फॉर्म भर के आपको जो है वो इंटरव्यू में पहुंचना होगा। तो इंटरव्यू, इसका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू जब होगा डेट इसमें काउंट की जाएगी तभी आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।